फेलोशिप है एक खुद को खोजने का एक सीमाहीन जरिया प्लेटफॉर्म समझता हूँ, जिसमें हमें एक मौका दिया जाता है कि हम कुछ करके लर्निंग प्रोसेस फेलोशिप जो है एक पार्ट है हमारे चेंज का, बहुत सी चीजों के क्षेत्र में हमें काम करने प्रक्रिया है कुछ सीखने का, जानने का, समझने टूल है, एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने अंदर न सिर्फ अपने अंदर बल्कि समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव चेंज ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग को सोशल चेंज लीडर्स कहा जाता है। जैसे कि स्कूल के जो बच्चे हैं एचएम के साथ साथ हम कम्युनिटी में भी काम करते हैं। मुझे सच में ज़रूरत महसूस हुआ कि हाँ मुझे ये सीखना चाहिए, और ये भी समझा कि जब तक ज़रूरत ना महसूस हो इंसान को तो वो कुछ सीख नहीं पाता है कुछ भी। हर एक अपने अपने में यूनिक है और सभी से कुछ ना कुछ सीखने को है, और फेलोशिप में ये एक चांस मिला है कि सबसे कुछ ना कुछ सीख पाए हम लोग। हम समाज को बदलने के लिए निकले हैं, और समाज को मैं समझता हूँ बदलने का सबसे जो अहम जरिया है और एक सबसे जो की पॉइंट है वो एजुकेशन है। इस धरा पे आदमी है ये कमाल है, इस धरा पे आदमी है ये कमाल है। और ये जानने समझने का जो प्रक्रिया है किसी किताबी दुनिया में सिमटी नहीं है, बल्कि व्यवहारिकता की धरातल पर जमीन पर कुछ काम करते हुए कुछ सीखने समझने के बाद। स्ट्रेंजर्स लोगों से बात करने में थोड़ा साई फील होता था और डर भी लगता था कि पता नहीं मेरा रिस्पॉन्स उनको कैसा लगेगा, स्ट्रेंजर्स से कैसे मिलना चाहिए, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उनके साथ कैसे एडजस्ट करना चाहिए, ये सब समझना आई गेस इम्पोर्टेंट है। बट खुद को समझना टू द एंड टू फिगर आउट व्हाट आई रियली वांट टू डू, व्हाट जीवन में कुछ ऐसा बदलाव करके जाएंगे जो आने वाली जो समय है उसमें हमारे लिए एक शक्ति का काम करे। लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत से बदलाव है। मैं एग्जांपल दूं कि मैं अब जल्दी उठने लगा हूँ, मैं टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ को अकॉर्डिंग टू डे अपने प्लान करता हूँ। प्लानिंग जो बहुत बड़ा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। दोपहर ही मैं उठता था, मेरी नींद खुलती थी, एक होनहार सेवी की तरह मैं स्कूल में सेवा करता हूँ, लोगों से काफ़ी प्रशंसा भी मिलता है। गर्मा गर्म बनाओ रोटी गर्म। मैं जहाँ था पहले इतना खुश नहीं था कि सेफ एंड सिक्योर जोन था, फिर भी मतलब और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ थी, फिर भी मैं खुश नहीं था। रिलेशनशिप से मेस्टली यही उम्मीद है कि मुझे ये पता चल जाए कि आगे मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ और इन सबसे ऊपर पर्सनल लाइफ, इन चारों के लिए इसको। और इसलिए मुझे फेलोशिप से उम्मीद है कि ये मैं चारों लाइफ जी पाऊँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम अपने उम्मीदों पर जो करना चाहते थे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो पा रहा है वो हम यहाँ पे कर। जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि इसको अगर मैं 2 साल कंप्लीट करता हूँ मेरे पास काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। मैं खुद को नहीं खोज पाया था, मैं खुद को नहीं जान पाया था, और आज का दिन अगर 6 महीने बाद मैं देखूँ तो मैं कुछ हद तक खुद को जान पाया हूँ, कुछ हद तक ये जान पाया हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और एक कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं बोलूँगा लेकिन एक डिफरेंट पर्सन बनने में एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ। चल जाएगा पकड़।